and action. इससे तो थोड़ा और सेक्सी हो गया। Did you know? ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी इंडियन सिनेमा की पहली एरियल एक्शन फिल्म है। इनफैक्ट ये इस फ्रेंचाइजी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी होने वाला है। इसका मतलब ये कि इसके नेक्स्ट पार्ट्स यानी फाइटर 2, फाइटर 3 एक्सेट्रा हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। आज हम इस मूवी के चार्ट बस्टर सॉन्ग हीर आसमानी के शूटिंग और बिहाइंड द सीन्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम फाइटर मूवी के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताएंगे जो आप श्योरली नहीं जानते होंगे। हीर आसमानी सॉन्ग इंडिया यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में पिछले 3 दिनों से ट्रेंडिंग था। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निगम क्रिएशंस पर। नंबर 1, कश्मीर की कड़क ठंड। इस सॉन्ग का मोस्ट ऑफ द पार्ट कश्मीर के पहलगाम विलेज में शूट हुआ था। हैवी स्नोफॉल और बारिश की वजह से लोकेशन पर बहुत ज्यादा ठंड थी। शूट के वक्त वहां का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस था। टू अंडरस्टैंड कि ये कितना हार्श हो सकता है, चेक आउट द लोएस्ट टेम्परेचर्स ऑफ 2023 अक्रॉस इंडिया। अब अपने शहर के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि -45 डिग्री सेल्सियस में आपका क्या हाल होता। खैर, इतनी ठंड के बावजूद शूट को पूरा करना वॉज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द एंटायर टीम। एक्टर्स ठंड से कांप रहे थे और इसी वजह से उन्हें इस सॉन्ग के लिरिक्स को लिपसिंग करना भी मुश्किल हो रहा था। इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन को लिप सिंक करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नंबर 2, दिस सॉन्ग इज शोकेसिंग टीम बिल्डिंग, बॉन्डिंग एंड टुगेदरनेस। इस गाने का टाइटल हीर आसमानी का मतलब होता है माई लव इन द स्काई। इस टाइटल से ही पता चलता है कि इसके किरदारों का आसमान में उड़ने का इरादा है। IAF की एक एलीट टीम फाइटर जेट का इस्तेमाल करके आसमान में उड़कर किसी बड़े मिशन के लिए ट्रेन हो रही है। वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट और डेडिकेटेड है। उनके आपस की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है ये डिपिक्ट करने के लिए ही इस सॉन्ग को मूवी में ऐड किया गया था। एक्चुअली इस सॉन्ग का कश्मीर में शूटिंग स्केड्यूल सिर्फ 3 दिन का प्लान था, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड और बारिश की वजह से वो 6 दिन का करना पड़ा। लेकिन इस कड़ाके की ठंड के बावजूद टीम ने आपस में काफी मस्ती भी की है। स्नोबॉल फाइटिंग, कबड्डी ऐसे गेम खेलकर एक दूसरे के साथ फन करते हुए उन्होंने इस टफ शूट को कंप्लीट किया था। इस पूरे सॉन्ग की शूटिंग मेकर्स ऑस्ट्रिया में करना चाहते थे, लेकिन मूवी का बजट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए फिर उन्होंने इसे कश्मीर की वादियों में शूट करने का डिसीजन लिया। जेंटल रिमाइंडर, बजट इश्यूज इतने बड़े एक्टर्स की मूवीज को भी होते हैं। वेल, फाइटर मूवी का टोटल बजट 250 करोड़ का था और उसमें से 5 करोड़ मेकर्स ने इस सॉन्ग पर खर्च कर दिए। नंबर 3, रियल फाइटर जेट्स इन यूज। इस मूवी के कुछ सीन्स को शूट करने के लिए मेकर्स ने मुंबई के यशराज स्टूडियो में सेट लगवा कर वहाँ एयरफोर्स बेस, क्लासरूम्स और ऑफिसेस क्रिएट किए थे। स्क्रीन पर दिख रहे इस सीन की शूटिंग इसी स्टूडियो में शूट हुई थी। इसमें हमें पीछे एक फाइटर जेट भी दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी में रियल इंडियन एयरफोर्स कैरियर्स एंड फाइटर जेट यूज किए गए हैं और उस फाइटर जेट का नाम है सुकोई SU-30 MKI फ्लैंकर H। ये फाइटर जेट इंडियन फोर्सेस का पहला मोस्ट पावरफुल जेट था, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड विद डिसॉल्ट रफाल। इस रियल फाइटर जेट के प्रोसेस और मैकेनिज्म को समझने के लिए ऋतिक रोशन को स्पेशल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी थी ताकि वो ऑन स्क्रीन कॉन्फिडेंट दिखे। इस मूवी के लिए उन्होंने पूरे 12 वीक्स का वर्कशॉप अटेंड किया था। एडिशनली उन्होंने तेलंगाना के एयरबेस और एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी विजिट किया था। वहाँ के पायलट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर वो उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते थे। ये सब देखकर पता चलता है कि वो इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा डेडिकेटेड थे। नंबर 4, कबड्डी एंड बाइक राइडिंग। इतनी बर्फ में हमें ये IAF की टीम कबड्डी खेलते हुए दिख रही है। इस सीन को शूट करने के लिए इस कैमरामैन की मेहनत को देखिए। इतना भारी कैमरा उठाकर उन्होंने इस सीन को शूट किया था। जैसे एक्टर्स की मूवमेंट हो रही थी वैसे ही उन्हें भी कैमरा लेकर मूव करना पड़ रहा था। अ फन फैक्ट, जब ऋतिक रोशन को पता चला कि वो -45 डिग्री में शूट कर रहे हैं तो लुक एट हिज एक्सप्रेशंस। इस सॉन्ग में हमें IAF की टीम बर्फीली वादियों में बाइक राइडिंग करते हुए दिख रही है। इस सीन को परफेक्टली शूट करने के लिए डायरेक्टर एक्टर्स को बता रहे थे कि हर कोई अपनी बाइक की स्पीड 45 पर ही मेंटेन करेगा।
हीर आसमानी सॉन्ग रिलीज होने के बाद जब मैंने देखा कि ये बी पराग ने गाया है तो मुझे लगा था कि ये कोई सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग होगा, बट इसे सुनने के बाद पता चला कि ये तो काफी एनर्जेटिक सॉन्ग है। बट आई वॉज रियली सरप्राइज बिकॉज इसे कंपोज किया है विशाल शेखर ने, उन दोनों ने बी पराग के साथ इसे गाया भी है। फाइटर के अब तक 3 सॉन्ग्स रिलीज हो चुके हैं जिसमें से ये हीर आसमानी लीव्स मी विद गूज़बम्स एंड इज माई पर्सनल फेवरेट। लेट मी नो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।